हेलो फ्रेंड्स, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मैं पहली बार फाइनली उस राज्य की राजधानी में आई हूँ जहाँ पर मैं रहती हूँ। मैं अभी हूँ लखनऊ में और मैं लखनऊ के उन कुछ फेमस लैंडमार्क्स में से एक में अभी हूँ। बताने की तो ज़रूरत है नहीं, मैं अभी हूँ बड़ा इमामबाड़ा में और मैं आप लोगों को बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और लखनऊ की और भी कई सारी फेमस चीज़ें दिखाऊंगी और वो सब बहुत सही हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं। बाप रे, इसके एरिया को देखकर ही अंदाज़ा लग जाता है कि इसे बड़ा इमामबाड़ा क्यों कहते हैं। वाकई ये बहुत बड़ा है, करीब 150 साल होने वाले हैं इसे बने हुए। टेस्ट ऑफ द टाइम पर खरा उतरा है बड़ा इमामबाड़ा। नवाबों की नगरी लखनऊ में इस बड़ा इमामबाड़ा को नवाब आशिफुद्दौला ने बनवाया था। 1784 में लखनऊ में अकाल पड़ा था, तब नवाब आशिफुद्दौला ने इसे बनवाया ताकि मजदूरों को मजदूरी दी जाए और अकाल से निपटा जा सके। बड़ा इमामबाड़ा की बाकी हिस्ट्री आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस तरह के विशाल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मुझे क्यों अच्छे लगते हैं। बड़ा इमामबाड़ा की हिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, उससे पहले ये बता देती हूँ कि ऐसे हिस्टोरिकल जगहों की एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि ये हमें ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड कराती है। ये जो इतना बड़ा है, ये देखिए कितना फैला हुआ है, ये कम से कम 25-30 एकड़ तक तो हो गए। और सोचिए अगर ये किसी बिल्डर के पास होता तो पता नहीं कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग खड़े कर देते और फिर कितना पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो जाता, और फिर बिल्डिंग्स की वजह से पता ही है ना कितनी कम जगह रह जाती है। लेकिन यहाँ देखिए ग्रीनरी, इतनी खुली खुली जगह, तो यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं और मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में तो आगे बताऊँगी। कहते हैं उस ज़माने में भी बड़ा इमामबाड़ा को बनाने में करीब 10 लाख रुपए खर्च हुए थे और उसके बाद 4-5 लाख रुपए नवाब साहब ने उसे सजाने में ही खर्च कर दिए। सजावट पर खर्च किया गया पैसा दिखता भी है। बड़ा इमामबाड़ा वाकई बड़ा शानदार है। इस बड़ा इमामबाड़ा कैंपस में भूल भुलैया भी है, जिसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उसी भूल भुलैया में वो विशाल गहरा कुआ भी था जिसे अकाल के दौरान लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए खोदा गया था। बड़ा इमामबाड़ा के ही बगल में छोटा इमामबाड़ा भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं छोटा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा तो हम हो आए, अब इसके अंदर भी चलते हैं। लोग तो कहते हैं कि ये एरिया के मुताबिक उससे भले ही छोटा हो लेकिन खूबसूरती के मामले में उससे ज़्यादा अच्छा है। अब मैं तो आज तक गई नहीं, पहली बार ही जा रही हूँ, तो मैं तो जाके देख लूँगी और जब आप लोगों को भी दिखाऊँगी तो आप भी बता देना कि वो ज़्यादा अच्छा है या ये। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। नाम से ही जाहिर है कि छोटा इमामबाड़ा साइज़ में बड़ा इमामबाड़ा से छोटा है। इसकी एक वजह ये भी है कि ये एक मकबरा है। छोटा इमामबाड़ा को मोहम्मद अली शाह ने बनवाया और यहीं पर उन्हें दफन किया गया। इस इमामबाड़े में मोहम्मद अली शाह की बेटी और उनके पति का मकबरा भी बना हुआ है। छोटा इमामबाड़ा सुंदरता के मामले में बड़े इमामबाड़े को टक्कर देता है। साइज में भले ही छोटा हो लेकिन खूबसूरती में उससे कम नहीं है। बड़ा और छोटा इमामबाड़ा अगल बगल में ही है, आप इन्हें आराम से देख सकते हैं। बड़ा इमामबाड़ा एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होने के साथ साथ एक रिलीजियस प्लेस भी है। जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं उसके अंदर दरगाह था, इसीलिए वहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। और फिर जो आप मेरे पीछे वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ये है मस्जिद, हालांकि ये रेगुलर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जुमे के दिन नमाज़ पढ़ी जाती है। तो दोस्तों, क्या आप यहाँ पे पहले आए हैं? कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।